बिल्कुल फ्रेश है जी। सरजमीन है, सरजमीन ये कुछ है पीछे में कप्तान है। देखो देखो बेगूसराय जिले में 3 मामलों में उत्पाद विभाग ने 20 लाख मूल्य के अवैध शराब का किया विनिष्टीकरण। बेगूसराय मुख्यालय में एक बड़ी खेप 3 मामलों में अवैध शराब बरामद को जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा के निर्देश पर विनष्ट किया गया, जिसका अवैध मूल्य 20 लाख की बताई जा रही है। यह विनिष्टीकरण कार्रवाई सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट की देखरेख में पारदर्शिता के साथ किया गया। वहीं इस दौरान उत्पाद विभाग प्रवेश कुमार एवं थाना प्रभारी खुशबू कुमारी मौजूद रहे। उत्पाद निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा के निर्देश पर एक बड़ी खेप सहित 3 मामलों के अवैध शराब को आज भी विनिष्टीकरण किया गया है। साथ ही साथ इसकी मूल्य लगभग 12 लाख जब अवैध धंधेबाजों का बाजार में 20 लाख से अधिक मूल्य के होंगे। वहीं सरकार द्वारा लागू शराबबंदी कानून के बाद भी प्रतिबंधित शराब के कारोबार में लिप्त धंधेबाज के खिलाफ उत्पाद पुलिस लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस कारोबार में लिप्त जहां कारोबारियों की गिरफ्तारी की जा रही है, वहीं बरामद विदेशी शराब की विनिष्टीकरण जारी है। बिहार के बेगूसराय से अंशु कुमार की रिपोर्ट। में 5-6 केस का विनिष्टीकरण हो रहा है, जिसमें कि एक बड़ी खेप की भी है शराब की। तो ये करीब 2,000 लीटर से ऊपर का ये शराब है जिसका विनिष्टीकरण नियंत्रण के आदेशानुसार किया जा रहा है। इसकी सर लागत मूल्य क्या है? देखिए, अगर लीगली लागत मूल्य देखा जाए तो करीब 12.5 लाख रुपये इसका है, और ब्लैक मार्केटिंग में देखा जाए तो इसकी कीमत करीब करीब 20 लाख से भी ऊपर जाती है। ये डीएम साहब के आदेशानुसार ये विनिष्टीकरण होता है, जिसमें कि इनके द्वारा सदर एसडीओ को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में मजिस्ट्रेट को भेजा है, और उत्पाद अधीक्षक के प्रभारी में मैं हूँ तो मैं खुद भी हूँ, एसएचओ थाना प्रभारी भी खुद मौजूद है, सदर के भी हैं। अब सारे लोगों के देख में पारदर्शी तरीके से वीडियोग्राफी कराते हुए विनिष्टीकरण की जा रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं।